नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। साल 2022 में पीएम मोदी पहली बार यूरोपीय देशों के दौरे पर पहुंचे, जहां पहले तो वो जर्मनी पहुंचे, फिर डेनमार्क और अब फ्रांस की बारी है। यूरोप के तीन देशों के दौरे के दौरान पीएम मोदी कुल 65 घंटों में 25 मीटिंग्स में शामिल होंगे। इस दौरान वो 8 वैश्विक नेताओं से भी मिलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है पीएम के इस दौरे में, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम का मिशन यूरोप, विदेशों में भारत माता के नारों की गूंज। जर्मनी डेनमार्क में मोदी। वंदे मातरम की तस्वीरें किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी, क्योंकि ये नज़ारा स्वदेश का नहीं बल्कि विदेश का है। जी हाँ, ये खूबसूरत तस्वीरें बर्लिन से सामने आई हैं, जहाँ बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस की 3 दिनों की यात्रा के पहले चरण में सोमवार को जर्मनी पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्क्लोज से मुलाकात की। और विदेश यात्रा के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय के लिए फ्रांस में ही रुकेंगे। यहाँ वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बातचीत करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच इस साल कूटनीतिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन पीएम की ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर पश्चिमी देश लगातार रूस की आलोचना कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं और भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो भी आलोचना का हिस्सा बने। इसके अलावा जर्मनी सहित पश्चिमी देश रूस के तेल, कोयले और गैस पर भारी निर्भरता कम करने के लिए कदम भी उठा रहे हैं, जबकि यूक्रेन हमले के मद्देनजर चांसलर ओलाफ शॉल्स जर्मनी की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सेना में 100 अरब यूरो का निवेश करने की घोषणा कर चुके हैं। साल 2022 की नरेंद्र मोदी की ये यात्रा कई मायनों में अहम है, जिसमें पहला कारण ये है कि पीएम मोदी की ये 2022 की पहली विदेश यात्रा है। दूसरा, जिन 3 देशों की यात्रा पर पीएम गए हैं, वे तीनों ही रूस यूक्रेन की जंग में बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी नीति तटस्थ बनाकर रखी है। अमेरिका और जापान सहित यूरोप के कई देश भारत पर रूस की आलोचना करने का दबाव बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक भारत ने रूस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। तीनों देशों की यात्रा पर निकलने से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। मैं अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूं, जो भारत की शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण साथी हैं। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी करीब 6 महीने बाद विदेश दौरे पर गए हैं। आखिरी बार पीएम मोदी पिछले साल 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक इटली और यूके की यात्रा पर गए थे। कोरोना काल में पीएम मोदी का ये 4th विदेश दौरा होगा। 2021 में पीएम मोदी 3 बार विदेश दौरे पर गए थे, जबकि 2020 में उन्होंने किसी भी देश का दौरा नहीं किया था। इस पहली विदेश यात्रा से पहले यूरोप के कई नेताओं ने भारत का दौरा किया था। इनमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेन भी शामिल थे। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए भी बहुत से नेता भारत आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो ये नजारा पहली बार देखने को नहीं मिला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि विदेशों में भी देखने को मिली है। मोदी मोदी के नारों से एक बार फिर विदेशी धरती गूंज उठी, और विदेशी धरती में पीएम की ये जो प्रसिद्धि है, इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं दुनिया के हर कोने कोने में भारत का नाम भी रोशन हो रहा है। यार, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो